कैंट थाना क्षेत्र के बेतियाहाता में शातिर बदमाश ने विवाहित महिला से टप्पेबाजी की वारदात को अंजाम दिया। दिलचस्प है कि शातिर ठग ने गहनों की सफाई का झांसा देकर महिला के जेवर लेकर फरार हो गया। वहीं पीड़ित महिला की शिकायत पर कैंट पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामला कैंट थाना के बेतियाहाता इलाके का है, जहाँ वार्ड नंबर 33 लेबर कोर्ट के पास शुभ्रा सिंह नाम की महिला से बदमाश ने टप्पेबाजी की है। दरअसल सोने के गहनों की सफाई करने महिला के घर एक अनजान शख्स पहुंचा। इस दौरान पहले महिला ने उसे चांदी के जेवर दिए, जिसे उसने चमका कर वापस कर दिया। ऐसे में महिला अनजान शख्स के विश्वास में आ गई और घर में रखे सोने के कीमती जेवर अनजान शख्स को सफाई के लिए दे दिया। इस दौरान अनजान शख्स ने महिला से गर्म पानी लाने को कहा, जिस पर महिला के घर में जाते ही शातिर टप्पेबाज मौके से महिला के कीमती जेवर लेकर फरार हो गया। घटना के बाद पीड़ित महिला ने कैंट थाने में पहुंचकर पुलिस से अपनी आपबीती बताई। वहीं इस मामले में सीओ कैंट सहायक पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोत्रे ने कहा कि दरअसल शातिर ठग द्वारा महिला को जेवर सफाई का झांसा देकर टप्पेबाजी की गई है। ऐसे में पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज करके साथ ही आरोपी का स्केच बनाकर उसकी गिरफ्तारी की कोशिश में पुलिस जुट गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सीओ कैंट रोहन प्रमोद बोत्रे ने कहा, ये कल का मामला है, 20 सितंबर 2019 का। शुभ्रा सिंह नामक एक महिला है जो बेतियाहाता में रहने वाली है। उनके घर पे एक व्यक्ति आया था सोना गोल्ड जो है वो साफ सफाई करने के लिए, तो उन्होंने अपना गोल्ड दे दिया था। उसने काफ़ी गोल्ड लौटा दिया, फिर उनको बताया गया था कि आप पानी लेके आइए हमारे लिए। तो वो पानी लेने के लिए अंदर गई थी, तो उनकी एक चेन और एक रिंग वो फरार लेके फरार हो गया वहाँ से। तो इसकी सूचना पुलिस को आज मिली है, कैंट पुलिस को, और तहरीर मिली है, उसके ऊपर मुकदमा लिखा जा रहा है।